आज हम बनाएंगे दाल का परांठा। दाल का परांठा आप रात की बची दाल से बना सकते हैं। जैसे ये मेरी कल चने की दाल बच गई है, तो इसके लिए हमें थोड़े प्याज काटने हैं, हरी मिर्च लेनी है और इसको आटे में मिला देना है, और एक चम्मच अजवाइन। इसके बाद आपको इसी दाल से आटा गूंदना है। अगर लगे कि दाल कम है तो ही पानी डालिए, नहीं तो कोशिश कीजिए कि दाल से आटा गूंद जाए। आटे को अच्छी तरह से मसल कर जब वो गूंद जाए तो कुछ टाइम के लिए रख दीजिए। नमक मिर्च सब दाल में होता ही है, तो इसमें अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए मैंने आटा गूंद लिया है अच्छी तरह से। इसको कुछ टाइम के लिए 10 से 15 रख दीजिए, फिर बेलिए। अगर आप गूंदते ही बेलेंगे तो ये परांठा टूट सकता है। आप उस क्यूर या गोल कैसी शेप में भी बना सकते हैं। बहुत हेल्दी होते हैं, बच्चे जैसे दाल नहीं खाते हैं तो उनको आप ये दे सकते हैं। इसमें दाल उनके अंदर जाती है, परांठा भी चला जाता है, तो पूरा एक मील हो जाता है। बहुत हेल्दी ऑप्शन है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर कभी भी कीजिए। तो ये तैयार है हमारे परांठे, अचार दही किसी के साथ भी एंजॉय कीजिए। थैंक यू।